क्या आपने इंडिया में पब्लिक प्लेस पर किसी को भी AK-47 और या कोई और गन कैरी किए हुए देखा है? नहीं ना, पर दुनिया में एक ऐसी भी कंट्री है जहां पर लोग इन गन्स को खुलेआम शॉपिंग मॉल्स और बीच पर लेकर घूमते हैं, और वो भी बिना किसी परमिशन के। मैं बात कर रहा हूँ इसराइल की, जहां पर लोगों के हाथ में M16 और AK-47 जैसी राइफल्स देखना बहुत ही आम बात है। और इतना ही नहीं, वहां पर तो लड़कियां बीच पर भी इन गन्स को कैरी करती हैं। आखिर ऐसी क्या वजह होगी कि वहां के लोग इन गन्स को बीच और किसी भी पब्लिक प्लेस पर खुलेआम लेकर घूमते हैं और कोई कुछ भी नहीं कहता? आखिर ऐसा कैसे? क्या वहां का लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर है कि लोग अपनी सेफ्टी के लिए इन वेपन्स को अपने साथ रखते हैं, और या इसके पीछे कोई और वजह है? तो जब हमने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि इन गन्स को कैरी करने के पीछे ना तो कोई सेफ्टी रीजन है और ना ही उनका कोई शौक, बल्कि ये उनकी एक मजबूरी है। दरअसल इसराइल में एक ऐसा लॉ पास किया गया है जहां पर 18 साल की उम्र के बाद 3 साल तक सभी यंगस्टर्स को आर्मी ज्वाइन करना लाजमी होता है, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की। अब उसी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें गन्स भी दी जाती हैं, और जब वो वेकेशन के लिए घर आते हैं तो उन्हें इन गन्स को अपने साथ लेकर आना होता है, और इन गन्स को संभाल कर रखना उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर गलती से भी उनकी ये गन्स कहीं गुम हो जाती हैं और या फिर घर से चोरी हो जाती हैं, तो उसके लिए इन्हें बहुत बड़ी सजा मिलती है, जिससे उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। और उनकी गन्स घर से चोरी ना हो, इसी वजह से वो उन्हें अपने साथ बीच पर भी लेकर आते हैं। इसी वजह से आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि बीच पर कैसे एक लड़की अपनी पीठ पर M16 की राइफल लेकर खड़ी हुई है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें फ्री में हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।